बीते कल गुरुवार को एम्स के डिप्टी चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर प्रेमनाथ राय की गाड़ी पर बाइक सवार बदमाशों के द्वारा गोली चलाई गई थी, जहां पटना के दानापुर विधायक रीतलाल यादव के भाई पिंकू यादव पर इस गोलीकांड का आरोपी बनाया गया था, क्योंकि इस घटना से चार दिनों पहले उनके मोबाइल पर एक कॉल आया था। इस मामले में पटना पुलिस भी पूछताछ करने स्थानीय विधायक के घर गई थी, जहां पिंकू यादव पटना से बाहर बताए गए थे। वहीं इस मामले पर विधायक रीतलाल ने सफाई देते हुए कहा, यह सब आरोप गलत है, हम अपने घर में ऐसा संस्कार नहीं दिए हैं। वहीं हम हो या हमारे भाई पब्लिक के बीच जाते हैं तो उनकी कई डिमांड रहती है, उन्हीं बातों को लेकर अगर कोई अधिकारी या किसी से कोई बात कर ले और उसके बाद ऐसी घटना हो जाए, इन सबों से नहीं जोड़ना चाहिए। दूर दूर तक इस तरह का भाई का नेचर कभी न था न है, अनुमित करते हैं कि होगा कभी। जनप्रतिनिधि के भाई के नाते फोन किया होगा, कर सकता है, अक्सर जगह बात करता है, शासन प्रशासन परसेंटेज जगह पे बात करता है। अब जनता आती है घर पे, हम नहीं रहते हैं घर पे, तो जनता का तो बीच में जाता है वोट मांगने, तो जनता तो उनसे काम खोजेगी। काम तो अनेकों तरह का है, मेरे ऊपर पिताजी नहीं रहे, माताजी नहीं रहे, हम लोग चर भी हैं, थोड़ा सा काम विशेष पड़ गया है। सुलझाने के दरमियान कभी वो नहीं रहते हैं तो कभी हम नहीं रहते हैं। जिन भाई से मुलाकात होता है जनता को, उस तरह का काम मिलता है, काम करते हैं। बात करने से इनकार नहीं किया जा रहा कि बात नहीं किए, बात कर सकते हो, लेकिन जो हुआ है इसमें कहीं किसी भी तरह का कोई संस्कार हमने न दिया परिवार को, अनुमित करते हैं कि हम जब तक जिंदा रहेंगे तब तक ऐसा संस्कार नहीं देंगे। पुलिस को सहयोग मिलेगा? पुलिस को कल हम खुद बताए हैं कि आपको हम चार दिन पांच दिन टाइम देते हैं, मेरे तरफ से आपको आपसे आग्रह है, आग्रह भी पूर्वक आपसे कहना है कि आप चार पांच दिन के अंतराल में जो भी तहकीकात करना है तहकीकात कर लीजिए। अगर जो इसके बावजूद लगता है पिंकू यादव का संलिप्त है तो वैसा होगा तो हम पिंकू यादव को खुद ला करके आपको दे देंगे।